हेलो फ्रेंड्स, शबाना जी रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कोरमा, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg है चिकन, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। मैरिनेशन में बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। इसको मैंने बॉईल कैसे करना है फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप भी उसे स्टेप से फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ऐसे करना है तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये बॉईल किया हुआ चिकन है और ये मैंने लिया हुआ है 2 प्याज। इसको मुझे गोल्डन ब्राउन करना है, तो चलिए गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं इसको। कढ़ाई मैंने रख दी हुई है गैस पर, इसमें ऑयल डाल लेते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज में ऑयल डाल दिया है, हमने 1 कप के करीब, 1 कप से कम हमने ऑयल डाला है इसमें, और इसमें प्याज डाल दिया है। अब ये ब्राउन हो रहा है तो अगला प्रोसेस हम कर लेते हैं। ये लिया है मैंने लहसुन, दिखा देती हूँ आपको सही से। ये लिया है मैंने लहसुन 7 से 8 का लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, यह है 5 से 6 काली मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा ये दालचीनी का है, 2 इलायची है, 2 लौंग है और 1/2 टीस्पून है जीरा। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें इतना ही ब्राउन करना है ऑनियन को। ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो कोरमे का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। देखिए फ्रेंड्स, अनियन को हमने निकाल लिया हुआ है, अलग साइड कर लिया है उसे। अब इसी तेल में हम डालेंगे अपने 2 तेज़पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा है दालचीनी का, 2 इलायची डालेंगे और ये है 5 से 6 काली मिर्चें, 2 लौंग ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसे सिजल कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम अपने चिकन पीसेस। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बनाइएगा, बॉईल करके आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमने लिए हुए हैं मसाले, यह लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये है 1 टीस्पून रेड चिली, ये 2 टी स्पून है ये धनिया पाउडर, और ये है 1 टी स्पून से ज़्यादा ये कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हम ऐड कर देते हैं इसमें। इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी जो मसाले बनाए थे, ये लहसुन, काली मिर्च, अदरक जो हमने दिखाया था आपको, इसको डाल देंगे, जीरा, ये सब का पेस्ट बनाया है उसमें डाल दिया है, थोड़ा सा चला लेंगे।
ऐड कर देंगे अब हम अपने नमक, 2 टीस्पून नमक है, इसमें अब हम डाल देंगे अपने 4 टीस्पून दही, योगर्ट ऐड कर देंगे और कोरमे में ज़्यादा खट्टी दही ऐड मत कीजिएगा, इतना बची थी इसको भी मैंने ऐड कर दिया इसमें। चलाते रहेंगे जिससे कि दही फटे नहीं। ऐड कर देते हैं अब हम अपनी कैश्यू प्योरी, रात भर मैंने 8 बादाम और काजू मैंने भिगा करके रख दिया था, अब इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है वो इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए इसको हमने 7 से 8 मिनट तक इस तरह से चलाया हुआ है, अब इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी महक बहुत ही अच्छी आ रही है। ये हमने अपनी प्याज को ग्राइंड कर लिया है और इसमें इसको ऐड कर देंगे। मिक्स कर देते हैं, हम डाल देंगे अपना केवड़ा एसेंस, केवड़ा एट वाटर, आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप डाल दीजिए। केवड़ा एसेंस या केवड़ा वाटर के बिना आपका कोरमा शाही कोरमा नहीं होता है, ये शादियों वाला कोरमा है इसलिए इसमें एसेंस डालना, केवड़ा वाटर डालना बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी अच्छे से खुशबू आती है और आपको फीलिंग्स आती है कि आप शादियों वाला कोरमा खा रहे हैं। इसमें आप पानी ऐड कर देते हैं, मैंने ऐड किया है 1/2 कप पानी, आप अपने तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं पानी को। अब इसको ढक देते हैं, देखिए अब हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है, हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी ग्रेवी कितनी खूबसूरत लग रही है और महक तो बिल्कुल बहुत ही लाजवाब है। कोरमे का नाम ही सिर्फ मुश्किल है, ये बनाना बेहद ईजी है, आप मेरे स्टेप को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा
अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।